हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटिया एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला है विच टर्म ऑफ द एपी 3/15/27/29... विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें जो एपी दे रखा है ये वाला, इसमें कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो हमें जो गिवन है, पहले वो लिखेंगे हमें 54th टर्म दे रखी है, 54th टर्म इज इक्वल टू 54th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, अगर हम ए एन फार्मूला लगाएं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो ए एन की जगह पे हमने क्या लिखा है, 54 इज इक्वल टू ए प्लस, देखो एन की जगह पे लिखा है 54, तो यहाँ एन है तो यहाँ लिखेंगे 54 माइनस वन और डी। तो ए 54 इज इक्वल टू ए प्लस 54 माइनस वन 53 और 53 इंटू डी 53 डी। तो ये हमें वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 54th टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 53 डी। अब हमें बोला है कि हमारी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होना चाहिए नंबर, तो वो कौन सी टर्म होगी। तो उसके लिए पहले हमें जो एपी है वो लिख लेते हैं, जो गिवन है हमें एपी, फर्स्ट टर्म एपी की 3 है, सेकेंड टर्म है 15, थर्ड टर्म है 27, फोर्थ टर्म है 29 और ऐसे आगे कंटिन्यू होते रहेंगे। तो इसे मार्किंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4 और कंटिन्यू। अब हमें बोला है कि 132 ज़्यादा होनी चाहिए 54th टर्म से, तो ये हमारी 54th टर्म है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं A प्लस 53D से कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, 132 ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 132। तो हमें वैल्यू निकालनी है इसलिए ए एन, तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 53 और डी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे डी है तो डी क्या होता है A2 माइनस A1, तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है 15, 15 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 3, 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा 12, तो A2 की वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई हमारी 12 प्लस 132। तो ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 हम साइड में कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 636। ये हमने यहाँ पे लिख लिया प्लस 132। तब हम ये प्लस कर लेते हैं टोटल टर्म, तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 771। तो ए एन जो हमारा नंबर आया है वो आया है 771, लेकिन हमें नंबर नहीं चाहिए, हमें टर्म चाहिए। तो टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ए एन का फॉर्मूला इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो ए एन हमारा क्या है 771, तो यहाँ हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 771 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू अभी हमने 12 निकाली थी, देखो यहाँ पे 12 है तो डी की वैल्यू आ गई 12। अब करेंगे 3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का है 3, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 771 में से माइनस 3 करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 768 इज इक्वल टू एन माइनस वन और 12। यहाँ पे 12 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ आ जाएगा 768 बाय 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये 12 डिवाइड में आ गया। अब डिवाइड करेंगे तो 12 वन 12, हमें इसे डिवाइड कर लेते हैं साइड में, तो जब हम डिवाइड करेंगे 12 से 768 को, हमारा आंसर आएगा 64। तो 64 इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन की वैल्यू निकालने के लिए माइनस वन को शिफ्ट करेंगे, माइनस वन इधर आके प्लस का वन हो जाएगा, 64 प्लस वन इज इक्वल टू एन, तो 64 प्लस वन क्या होता है 65, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई 65, यानी कि जो हमारी 65 टर्म होगी वो हमारी 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो इसी के साथ हमारा क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।